सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं ब्राइडल मेकअप जो आप देख रहे हैं, और ये मेरी एक ब्राइड थे तो मैंने सोचा एक वीडियो भी बना देते हैं और उसमें आपको भी दिखा देती हूँ कि मैंने ये कैसे किया मेकअप। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देख सकते हो मैंने यहाँ पे डर्मा का कंसीलर लिया हुआ है, क्योंकि अभी समर है तो समर्स में आपको पता है हमारे पास जो डर्मा के प्रोडक्ट होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, इनके कंसीलर बहुत ही अच्छे हैं। तो ये मैंने क्या किया, फिर ऑरेंज करेक्टर भी लगा दिया जहाँ जहाँ इनको पिगमेंट थी, थोड़ी पिगमेंट थी आईज़ के पास और फोरहेड में, तो वहाँ वहाँ मैंने इनको लगा दिया और अच्छे से मैंने इसको स्मज कर दिया, अच्छे से ब्लेंड कर दिया फिंगर की टिप से ही। ठीक है, तो आप भी अपनी फिंगर की टिप से अच्छे से ब्लेंड कर सकते। यहाँ पे मैं कर रही हूँ फाउंडेशन यूज़ और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। तो अभी मैं कर रही हूँ कंटोर यहाँ पे, और जहाँ जहाँ मुझे नीड है वहाँ वहाँ मैं कंटोर करती हूँ। जैसे आप देख रहे हो ईयर के पास मैं इसको अच्छे से कंटोर कर लूँगी, और नोज़ के पास और चिन के पास, क्योंकि इनका फेस जो है थोड़ा हैवी है और इससे थोड़ी शार्प लुक देंगे। कंटोर के साथ हम लिप की भी शेप दे देंगे, इससे क्या होता है हमारी जो लिप्स हैं और भी इन्हेंस होते हैं। जैसे मैं दे रही हूँ आप भी इस तरह दे सकते हैं। अभी हम लगा रहे हैं कंसीलर, आई कंसीलर, जहाँ से हमारी जो फेस है वो हाईलाइट होता है वहाँ वहाँ हम कंसीलर करेंगे, और जो हमारी फाउंडेशन होती है उससे एक टोन ज़्यादा लेंगे, और उसके बाद हम आइज़ के नीचे, नोज़ के ऊपर एंड फोरहेड, चिन, आप देख सकते हो वीडियो में जैसे जैसे मैंने लगाया है उस तरह से आप भी लगा सकते हैं। कंसीलर लगाने के बाद इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर देंगे और दूसरा ब्लेंडर के साथ करेंगे। जिस ब्लेंडर के साथ हमने फाउंडेशन ब्लेंड किया उस ब्लेंडर के साथ आप नहीं करेंगे। और अभी हम कर रहे हैं टिंट यूज़। ये मेरे पास है कलर बार का टिंट, आप चाहे जो मर्जी लें, जो भी आपको लेना है टिंट वो ले सकते हैं। और ये मैंने चिक्स पे और यहाँ पे नोज़ पे, चिन पे, यहाँ पे अप्लाई करने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है।
यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लूज पाउडर, और आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये सब जानना है कि मैं कौन से ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसके ऊपर ही बनाऊँगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन कर देना। और बाकी ये लूज़ पाउडर वहाँ ही लगाना है जहाँ आपने कंसीलर अप्लाई किया होता है। साथ साथ में इसको हम हटा देंगे। इससे क्या होता है, हमारी फेस में थोड़ी अच्छे से जो फाउंडेशन है, जो मेकअप है हमारा, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। यहाँ पे अभी हम ब्लश यूज़ कर रहे हैं, और साथ में ही हम इसके पास जो है कंटूर भी जो किया हुआ है उसको थोड़ा सा इन्हेंस ज़्यादा करेंगे, और साथ साथ में हम ब्लश भी यूज़ करते जाएंगे। मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हम सेटिंग स्प्रे बार बार यूज़ करते रहेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं इधर आई मेकअप। आई मेकअप करने से पहले हम कंसीलर यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम आईज़ का लाइट शेड लेते हैं, उसके बाद डार्क लेते जाते हैं। जैसे मैं कर रही हूँ ठीक उसी तरह आपको ये करना है, अगर आपको ऐसा मेकअप करना है तो।
यहाँ पे इनको हम जेल आईलाइनर लगा रहे हैं। आपके पास जो भी जेल आईलाइनर है या आईलाइनर है कोई भी, तो आप वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जेल आईलाइनर लगा रही हूँ, और वही मैंने ऊपर भी लगाया है, वही मैं इनको थोड़ा मतलब इनके जो वाटर लाइन है उधर नहीं लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा नीचे लगा के इसको स्मज कर दूंगी अच्छे से। तो अब लास्ट है हमारी लिप कलर, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इनकी पसंद का लिप कलर जो इनको पसंद था, और मुझे भी ये कलर बहुत ही पसंद है। तो सबसे पहले हमने लिप शेड दे दिया, ऊपर आउटलाइन दे दिया, उसके बाद हम फिलिंग कर देंगे। तो फाइनली हमारा मेकअप हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको मेकअप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ में मुझे सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लग रही थी हमारी दुल्हन, और आप देख सकते हैं। और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आप इंतज़ार करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलते हैं, बाय बाय।